नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है संधि। सबसे पहले हम जानते हैं संधि का अर्थ क्या होता है। संधि कहते किसे? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, अर्थात जब दो वस्तुओं को जोड़ा जाता है तो उसे संधि कहते हैं। और इसी का अगला शब्द है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना, माने तोड़ना। तो संधि का अर्थ है जोड़ना और विग्रह का अर्थ है तोड़ना। इसके बाद संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण वाले अक्षर दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दो वर्ण हैं अ हं अ बराबर आ, अ धन ई बराबर ई, यही है संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, इसको हल संधि कहते हैं, तीसरा है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले स्वर संधि पर विचार करेंगे। स्वर संधि, स्वर माने स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चार में, जिन वर्णों के उच्चार में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे जैसे अ ई उ आदि। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चार में अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े वह स्वर है। जैसे अ उ ई री री आदि। स्वर संधि की परिभाषा है जहां दो स्वर वर्ण जुड़ते हैं, जहां दो स्वर वर्ण जुड़ते हैं, जहां दो स्वर वर्ण जुड़ते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं।
जैसे जैसे आ धन ई मिलके हुआ ए। यहां आ भी स्वर है, ए भी स्वर है और दोनों मिलके बना ए। जैसे कोई शब्द ले लीजिए रमा धन ईश व रमेश है ना, रमा धन ईश रमेश, यह है स्वर शब्द। अब हम आगे विचार करेंगे स्वर शब्द के भेद, स्वर शब्द के भेद। स्वर शब्द के मुख्यतः पांच भेद होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर शब्द, दूसरा है गुण स्वर शब्द, तीसरा है यण स्वर शब्द, चौथा है वृद्ध स्वर शब्द। पांचवा है अयाद स्वर शब्द। ये है स्वर शब्द के भेद। अब हम अलग अलग करके पांचों भेदों पर विचार करेंगे। सबसे पहले दीर्घ स्वर शब्द, इसका नियम है, इसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घम। अकह सवर्णे दीर्घम, अकह सवर्णे दीर्घम यहां अप्रत्याहार है, अप्रत्याहार में पांच स्वर वर्ण आते हैं आ, ई, ऊ, री, री। सर अर्थात समान वर्ण। अब देखिए इस सूत्र का अर्थ है अपा सवर्ण दीर्घम, माने जब अप के बाद अप्रत्याहार आए, माने अप्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो वहां दीर्घ स्वर शब्द होती है। अब समान वर्ण, समान वर्ण वह होता है जिसका उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों समान हो। यहां देखिए पांच स्वर है और पांचों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न अलग अलग है। ए का उच्चारण स्थान है कंठ, ई का उच्चारण स्थान है ताल, उ का है ओष्ठ, री का है मूर्धा, री का है धन। यह सूत्र कहता है कि जब अप माने अ ई उ री री के बाद समान वर्ण आए, जब अब लेखक में तो आ ई ऊ री री के बाद कोई समान वर्ण आए,
तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ क्या होता है। देखिए स्वर के तीन भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ तीसरा है तू। ह्रस्व स्वर में ये पांचों स्वर आते हैं आ ई ऊ री रे। दीर्घ में आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ। प्लुत में प्लुत दर्शाने के लिए स्वर के आगे तीन की गिनती लिखी जाती है। प्लुत का प्रयोग अक्सर नहीं होता है, किसी को दूर से बुलाने में पुकारने में प्लुत का प्रयोग होता है। जैसे प्रणव में प्लुत का प्रयोग है, जैसे ओम, जैसे हे कृष्ण आदि। ह्रस्व जहां एक मात्रा का प्रयोग हो या जिस स्वर में एक मात्रा का समय लगे, दीर्घ दो मात्रा का समय लगे, प्लुत तीन मात्रा का समय लगे। अब यहां दीर्घ स्वर संधि का नियम है कि यदि अक के बाद समान वर्ण आए तो दोनों का दीर्घ हो जाता है। जैसे मान लो अ के बाद आ का समान वर्ण अ या आ, तो दोनों मिलके होगा आ, दीर्घ हो जाएगा। आ के बाद अगर आ आए तो ही दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही ई के बाद ई आए तो दीर्घ ई, उ के बाद उ आए तो दीर्घ उ, री के बाद री आए तो दीर्घ री, और री का दीर्घ नहीं होता। यह है दीर्घ स्वर संधि का नियम। जैसे कोई शब्द ले लीजिए, जैसे मान लीजिए विद्या, धन, आदर। अब यहां देखिए पहले पद का अंतिम वर्ण आ है, दूसरे पद का पहला वर्ण आ है, दोनों मिलके दीर्घ आ होगा और रूप होगा विद्या है ना। इसी तरह गिर धन ईश है, यहां हर्ष की इसके बाद दीर्घ की, दोनों मिलके दीर्घ हो जाएगा गिरी सब। लघु लघु धन और को इसके बाद दीर्घ को दोनों मिलके दीर्घ हो जाएगा लघु। यह है दीर्घ स्वर संधि का नियम। अब हम विचार करेंगे गुण स्वर संधि पर।
गुण सूत्र। सबसे पहले ये देखिए कि गुण वर्ण कौन कौन से हैं, गुण वर्ण कौन कौन से हैं। इसके लिए सूत्र है अधेय गुण। इसका अर्थ होता है अ के ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण बनाते हैं। देखिए पुरुष संधि का नियम है, यदि अ या आ के बाद, अर्थात पहले पद का आखिरी अक्षर आ या आ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर ई अर्थात ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, तो दोनों मिलके ए होता है। फिर पहले पद का पहला अक्षर अ या आ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर उ या दीर्घ उ हो, तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। वही बात पहले पद का आखिरी अक्षर अ या आ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर री या दीर्घ री हो, तो दोनों मिलके अर होता है और री हो तो दोनों मिलके अल होते हैं। देखिए यदि पहले पद का आखिरी अक्षर अ या आ हो, दूसरे पद का पहला अक्षर ई या ई हो तो ए, फिर वही बात पहले पद का पहला आखिरी अक्षर अ या आ हो और दूसरे पद का पहला अक्षर उ या उ हो तो ओ, री या री हो तो अल, री हो तो अल होता है। यह गुण संधि का नियम। इसका उदाहरण देखिए, महाधन ईश, यहां पहले पद का आखिरी अक्षर है आ, हावे आ महा है ना, दूसरे पद का पहला अक्षर है ई और दोनों मिलके ए बनता है, हो जाएगा महेश। इसी तरह है राम धन ईश, यहां आ और ई मिलके ए हुआ है, हो गया रमेश। इसी तरह है उप धन इंद्र, उप धन इंद्र, पहले पद का आखिरी अक्षर अ है, दूसरे पद का पहला अक्षर ई, दोनों मिलके ए हुआ और रूप बना उपेंद्र।
इसी तरह अगला उदाहरण है महाधन ऋषि। पहले पद का आखिरी अक्षर है आ, दूसरे पद का पहला अक्षर है री, दोनों मिलती है अर, और जो बना महर्ष। इसी तरह है री का ताओ धन विकार। पहले पद का आखिरी अक्षर आ, दूसरे पद का पहला अक्षर री, दोनों मिलके हुआ अल, रूप बना तवल का। यह है गुण स्वसंग। इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।